हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस की मिसलिनियस एक्सरसाइज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बेटा कि फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। तो इसमें आपका क्या कह रहा है कि अ रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू। ठीक, हमारे पास कोई रिलेशन एफ है और ये ऐसे डिफाइन है। एफ एक्स कैसे डिफाइन है आपका? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड दिस वन, और ये 3x 3, और ये 10, ये आपका डिफाइन है। ठीक, और सेम ऐसे ही gx आपका डिफाइन है। तो हमको ये प्रूफ करना है। इसका हम पहले फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे कि हमारा क्या है। यहाँ पे ये दिखाना है f इज अ फंक्शन। ठीक, हमको क्या प्रूफ करना है कि जो हमारा ये f रिलेशन f है, ये क्या है? फंक्शन है। तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए हम फंक्शन की क्या करेंगे, डिफिनीशन को एक बार रिकॉल करेंगे। फंक्शन होता क्या है कि अगर हमारे पास एक सेट ये ए है और सेकेंड सेट बी है, और ये मान लो कि हमारा कोई रिलेशन एफ ऐसे डिफाइन है, तो इस रिलेशन को हम फंक्शन कब बोलते हैं? जब हमारे जैसे 1, 2, 3, इसकी इमेज ए हो गई, इसकी इमेज मान लो बी हो गई, और इसकी इमेज क्या हो गई? सी। मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के जितने भी एलिमेंट हो उसकी क्या होनी चाहिए? वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी में होनी चाहिए। तो क्या होगा? फंक्शन होगा। अगर मान लो कि 3 की इमेज ये भी बन जाए, बी और सी दोनों बन जाए, तो ये फंक्शन होगा? नहीं होगा, क्योंकि 3 की कितनी इमेज बन गई? 2। ये यही कंसेप्ट यूज करते हुए इस क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो अब देखो, अब यहाँ पे करेंगे क्या, इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आपने यहाँ पे क्या करना है, एक ऐसे सर्कल बना लो। ठीक, अब देखो हमारा एक्चुअली फंक्शन एक ही है, सेम फंक्शन है एफ एक्स। इस क्वेश्चन को भी समझिए, ठीक है। 11th में ये अलग टाइप का एक फंक्शन ऐसे डिफाइन होता है आपका, क्या है ये एफ एक्स है, और एक ही फंक्शन है एफ एक्स। और एफ एक्स कैसे डिफाइन हो रहा है? एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर। कब? जब एक्स क्या हो जा रहा है, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर हो जा रहा है। कब? जब एक्स लाई कर रहा है 0 to 3। इसका मतलब क्या होता है? जब भी आप फंक्शन डिफाइन करते हो तो यहाँ पे एक्स होता है और यहाँ पे क्या होता है आपका? एफ एक्स होता है। तो हम इस वाले की पहले बात करेंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पे आप क्या करोगे, ये एक्स की वैल्यू ले लो, क्या है आपका? 0, 1, 2, और आपने क्या ले लेना है? 3 ले लेना है। ठीक है, ये सर्कल थोड़ा सा हम स्मॉल सर्कल लेंगे क्योंकि दूसरा भी हमको अभी सॉल्व करना है। ठीक, तो ये हो गया दिस वन। ठीक, और ये आपका हो गया ऐसे, ये रहा आपका x और ये रहा आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इसका मतलब क्या होगा, आपका फंक्शन कैसे डिफाइन होगा? 0 का स्क्वायर करोगे तो 0, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, और 3 का स्क्वायर करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ये तो आपको क्लियर हो गया। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। और सेकेंड पार्ट आपका क्या कह रहा है? दिस वन, ऐसे इसको भी आप बना लो। ये हो जाएगा आपका ये x, और ये आपका हो जाएगा एफ एक्स, और एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या है आपका? 3x है। तो x की वैल्यू ले लो यहाँ पे, x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? ये देखो 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, और क्या है आपका? 10 है। ये 3 to 10 जा रहा है। ठीक, अब देखो 3 की इमेज कहाँ बनेगी, एक्चुअली 3x कर रहा है, तो 3 3 जा 9, ये हो जाएगा आपका 9। फिर 4 3 जा, ये आपका होगा 12, 5 3 जा 15, आपका देखिए 6 3 जा 18, और ये आपका क्या हो जाएगा? 21, और ये आपका क्या हो जाएगा? 24, ये 27, और आपका ये क्या हो जाएगा? 30। तो देखो आप इस वाले में भी देख रहे हो 0, 1, 2, 3, सबकी इमेज क्या बन रही है? अलग अलग बन रही है। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो सबकी इमेज क्या बन रही है? अलग बन रही है। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, ये एक्चुअली फंक्शन सेम है, तो 3 इसमें भी कॉमन है और 3 यहीं से। आप चाहते तो हम इस क्वेश्चन को इतना ब्रीफली करने की ज़रूरत नहीं थी, हम यहीं पे डिफाइन कर देते जो ये कॉमन टर्म था 3 और 3, और 3 पे हम चेक कर लेते कि इस वाले में 3 कहाँ गया? 9, और इस वाले में भी आपका 3 कहाँ गया? 9 पे गया है। देखो तो इसका मतलब 3 की भी इमेज क्या बन रही है?
थ्री कहाँ पे जा रहा है, इस वाले में भी थ्री नाइन पे जा रहा है और ये क्या जा रहा है, थ्री नाइन पे। मतलब थ्री की क्या है, एक ही इमेज है, वन एंड ओनली इमेज, और थ्री की इमेज क्या है, नाइन है। तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, एफ इज अ फंक्शन, दैट मीन्स एफ इज अ फंक्शन। और आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे यहाँ पे भी दिखा सकते थे, यहाँ पे क्या कर लेते, एफ एक्स इक्वल टू थ्री पे दिखा देते कि ये नाइन हो जाता, ठीक। सेकंड वाले में भी दिखा देते कि एफ एक्स इक्वल टू क्या कर लेते, ये एक्चुअली क्या है आपका, थ्री एक्स ना, तो थ्री इंटू थ्री इक्वल टू आप नाइन, यहाँ से इतना भी दिखा के आप कर सकते थे, बट ये समझाने के लिए। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, अब चलिए अब इसका हम सेकेंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। और सेकेंड पार्ट में आपका क्या डिफाइन है, देखो जी एक्स, तो राइट डाउन कर लो, जी ऑफ एक्स इक्वल टू, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है आपका एक्स टू ट्वेल्व, और यहाँ पे क्या है थ्री एक्स, और ये क्या है टू लेस देन एक्स, और ये आपका क्या है टेन है, ठीक है। जीरो लेस देन आर इक्वल टू, ये आपका टू ही होगा, ठीक। जीरो लेस देन, यहाँ पे देखो बेटा ये जीरो लेस देन ये ऐसे है, ठीक। तो यहाँ पे देखो, अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, इसी टू को इसमें और इसमें हम डिफाइन करेंगे। तो ध्यान से देखो, जी एक्स के केस में अब यहाँ पे देखो, पहला लेते हैं जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अब यहाँ पे चेक कर लो, सीधे यहाँ ऐसे लिख लो, वेन x इक्वल टू टू, चेक करोगे ना x इक्वल टू, एक्चुअली हम इस पर कैसे चेक करते, ऐसे लेते जीरो वन टू, ठीक, फिर इसमें चेक करते टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ऐसे चले जाते। तो एक्चुअली टू कॉमन है, तो हम टू पे ही सिर्फ चेक करके देख लेते हैं क्या खेल है, ठीक है। अब देखो x इक्वल टू क्या है आपका, टू पे आपका यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू स्क्वायर इक्वल टू फोर, एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, फोर आ गई, ठीक। एफ एक्स नहीं है एक्चुअली बेटा, ये जी ऑफ एक्स है, ओके। जी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, जी एक्स इक्वल टू टू स्क्वायर इक्वल टू फोर। अब दिस वन नाउ, अब ये देख लो, जी ऑफ एक्स इक्वल टू आपका क्या है, थ्री एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, वेन वेन एक्स इक्वल टू, अब ये इसको कंसिडर कर लो, वेन एक्स इक्वल टू टू, वेन एक्स इक्वल टू आपने क्या लिया टू, देन जी ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री इंटू टू इक्वल टू सिक्स। अब देखो क्लियर हुआ, यहाँ पे देखो टू की इमेज कहाँ गई, टू गया फोर पे, ठीक, और यहाँ पे आपका कहाँ गया, टू गया सिक्स पे। तो इसका मतलब टू की दो इमेज हो गई, टू कहाँ पे कहाँ चला गया, फोर पे भी गया और सिक्स पे भी गया। तो ये फंक्शन की डिफिनीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, क्योंकि टू की क्या, हर एक एलिमेंट की वन एंड ओनली इमेज होनी चाहिए, और यहाँ पर टू की कितनी इमेज हो गई, दो इमेज हो गई। तो लिख लोगे कि जी एक्स इज नॉट अ फंक्शन, हैंस जी एक्स इज नॉट अ फंक्शन, ओके। बिफोर पास द वीडियो आई नोटेड डाउन, ओके। अब चलो, अब हम नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ओके। सेकेंड, चलो अब देखो सेकेंड में क्या है आपका, अब आपका दे रखा है कि इफ एफ ऑफ एक्स, क्वेश्चन नंबर टू आपका दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक। एफ एक्स को डिफाइन किया है क्या है, एक्स स्क्वायर, हमें वैल्यू क्या फाइंड आउट करना है, ये बताना है एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 और अपॉन 1.1 माइनस वन, इसकी हमें क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है, ओके। छोटा सा क्वेश्चन है, तो आपको ये चीज़ क्लियर है कि आपका देखो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है। इसको ध्यान से सीखो, आपका ये दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब आपको ये बताना है कि एफ ऑफ 1.1 करोगे तो क्या आएगा। तो सिंपल करते क्या है कि आपको x की जगह आपने इसको क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। तो ये हो जाएगा 1.1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना, सिंपल सा क्वेश्चन था। 1.1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और दिस वन f1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो f ऑफ 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर, सिंपल सा, ठीक।
और इसी को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप इसको राइट डाउन कर लो, एफ ऑफ 1.1 की वैल्यू क्या है, 1.1 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 1.1 माइनस क्या हो गया आपका 1 हो गया। आप इसको लिख लोगे 1.1 प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में 1.1 माइनस 1 अपॉन 1.1 माइनस 1, दिस वन आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको हमने किससे ब्रेक कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2.1 इज योर राइट आंसर। ओके चलो, बिफोर पास द वीडियो एंड नोट डाउन। चलो अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम थर्ड को डिस्कस करेंगे। किसे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखो, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, आपका ये फंक्शन डिफाइन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 12। ठीक है, और अपन को बताना क्या है, यहाँ पे वी हैव टू फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन। हमको क्या बताना है, डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो करना कैसे, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने से पहले हम डोमेन को क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे। और सबको पता है कि जब हम डोमेन रेंज पढ़ते थे तो डोमेन कहाँ पे लाई करता था, हमेशा यहाँ पे जो वैल्यूज होती थी, दिस इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन। और ये वैल्यू किसकी होती थी, ऑलवेज वैल्यू ऑफ एक्स। किसकी वैल्यू होती है, ऑलवेज वैल्यू ऑफ एक्स, हमेशा ये एक्स की वैल्यू होती है, दिस वन इज क्लियर। ठीक, और ये हमेशा हम लोग पढ़े हैं, ये कौन सा फंक्शन है, रियल फंक्शन। ठीक है, रियल फंक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक, इतना तो क्लियर होना चाहिए, जब भी आप क्वेश्चन करो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि डोमेन यहाँ होगा और रेंज यहाँ होगा। डोमेन ऑलवेज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड रेंज इज वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये तो हमेशा फंडा अपना क्लियर रखो। ओके, अब चलो, तो एक्चुअली जब भी फ्रैक्शन टाइप का हमें क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, फ्रैक्शन टाइप का क्वेश्चन दिया हो, तो इसका हमें वर्किंग रूल क्या करना है कि ये सबसे पहले तो आप इसका क्या कर लो, फैक्टर कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन। ठीक, या फिर ये भी एक फंडा है, फैक्टर करने से पहले चाहो तो देखो, कोई भी फैक्टर डिफाइन कब, जब फ्रैक्शन डिफाइन कब होगा, हमेशा ऑलवेज जो होगा यहाँ पे क्या होना चाहिए, दिस वन नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या, डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर ऑलवेज नॉट इक्वल टू जीरो। जब भी आप क्वेश्चन करते हो फंक्शन डिफाइन, चाहे जो भी क्वेश्चन करोगे, तो हमेशा आपका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। अगर डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो हो गया तो क्या होगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर मान लो कि इसकी वैल्यू क्या आ जाए, जीरो, तो दिस अपॉन जीरो इक्वल टू अनडिफाइन हो जाएगा, खेल ही खत्म हो जाएगा। तो बस ये छोटा सा कंसेप्ट, ये नहीं कि डोमेन निकाल रहे हो, रेंज निकाल रहे हो तो टेंशन आ रही है यार डोमेन कैसे निकलेगा। जो बेसिक चीज़ आप जानते हो, ये बचपन से सीखते चले आ रहे हो, ये हमेशा इसकी वैल्यू क्या होगी, नॉट इक्वल टू जीरो। इसी को अपन क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे। तो आप कंसीडर कर लो, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 नॉट इक्वल टू जीरो। राइट डाउन कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x नॉट इक्वल टू जीरो हो गया। चलो अब देखो, इसके बाद से नेक्स्ट स्टेप में आप इसका क्या करोगे, फैक्टर कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, 12, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x माइनस 12 नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये एक्स माइनस 6 माइनस 2 एक्स माइनस 6 नॉट इक्वल टू जीरो, तो एक्स माइनस 2 और ये हो गया एक्स माइनस 6, क्या हो जाएगा आपका, नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, चलो अब इसको हम रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो एक सेकेंड बस। अब यहाँ से हमको क्या मिल गया, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 6 नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ आपका, यहाँ से एक्स नॉट इक्वल टू 2 और एक्स नॉट इक्वल टू 6 होगा ना। जब ये ले लोगे एक्स माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, तो एक्स नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इधर आएगा। तो इसका मतलब
जो हमारा ये फंक्शन है दिस वन, ये फंक्शन 2 और 6 को छोड़ के हर जगह क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। हर जगह मतलब क्या, पूरे रियल नंबर में ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसका क्या लिखोगे डोमेन, तो लिख लो डोमेन इक्वल टू रियल नंबर, रियल नंबर में से क्या करोगे 2, 6 को माइनस कर दो बस। तो इसका डोमेन क्या होगा, पूरा का पूरा रियल नंबर, मतलब ये गोला बना लो, इसमें फुलफिल करते चले जाओ बहुत सारे नंबर, इनफाइनाइट तक जाओ। बस कंडीशन क्या होगी कि 2 और 6 को छोड़ के पूरा जो भी मन है वो ले लो, वही क्या हो जाएगा इसका डोमेन। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है ठीक है तो कमेंट जरूर करो कि हाँ सर ओके। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो कि सर क्लियर नहीं है। ठीक है, ओके ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाय। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे हमसे ये क्या पूछ रहा है, ये गिवन है एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1। ठीक है, अब इसका हमें क्या बताना है, डोमेन भी बताना है एंड क्या बताना है, रेंज बताना है। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसमें भी देखो बहुत ज़्यादा मेन बेसिक कंसेप्ट ही काम आएगा, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस ये देखना है हर क्वेश्चन में कि जो हमारा फंक्शन एफ एक्स है कब डिफाइन होगा, डिफाइन होगा तभी तो डोमेन और रेंज फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ पे देखो एक्चुअली हम यहाँ पे एफ एक्स पढ़ रहे हैं और ये हमारा गिवन है कि एफ एक्स कौन सा फंक्शन है, ये हमारा है रियल फंक्शन। क्वेश्चन में भी दे रखा है कि आपका एफ एक्स क्या है, रियल फंक्शन है। तो रियल कब होगा, अगर हमारा अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू हो, जो भी इसके अंदर वैल्यू हो, ये मस्ट भी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मतलब वो पॉजिटिव होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने अंडर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू लाया तो रियल नहीं होता है, ये आपका इमेजिनरी का केस बन जाता है, वो इमेजिनरी नंबर होता है। तो ठीक, तो मेन है यहाँ पे कंसेप्ट ये बनता है कि अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है मस्ट बी क्या होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे हमारा कंसेप्ट क्या निकल के आएगा, ये राइट डाउन कर लो, फॉर डोमेन ये आपका हो जाएगा एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। दिस वन इज क्लियर, आपका क्या होगा, ये एक्स माइनस 1 हम क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, तभी हमारा ये फंक्शन डिफाइन होगा, रियल फंक्शन होगा। और एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू, और सबको पता है, क्या पता है कि डोमेन क्या होता है, डोमेन इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू होती है। तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू यार सीधे दिख रहा है कि x अब क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो x की वो सारी वैल्यूज जो 1 के इक्वल या 1 से बड़ी हो, वही इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट, अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो कि यस सर क्लियर है, डाउट है तो फिर बताओ। ठीक है, तो आपका यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन देखो इक्वालिटी का साइन है, और जहाँ भी इक्वालिटी का साइन आता है तो कौन सा इंटरवल होता है, क्लोज इंटरवल। तो दिस वन इज 1, और 1 से बड़ा चाहे जितना ले लो, दैट मीन्स ये कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी तक, और इन्फिनिटी पे कभी क्लोज नहीं करोगे, इन्फिनिटी कभी क्लोज नहीं होती है, हम इन्फिनिटी तक पहुँच ही नहीं सकते हैं, इनफाइनाइट डिफाइन ही नहीं, इनफाइनाइट कहाँ तक जाओगे। तो इसलिए कभी भी इन्फिनिटी को आप क्लोज नहीं करोगे, चाहे प्लस इन्फिनिटी हो चाहे माइनस इन्फिनिटी हो, ये हमेशा ध्यान देना कि इन्फिनिटी पे कौन सा इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल। ठीक है, ये हो गया हमारा डोमेन। बिफोर पास द वीडियो आई नोट इट डाउन, इसको नोट कर लो। ठीक है, ओके, तो ये हमारा हो गया डोमेन। अब हम बात किसकी करेंगे, इसकी रेंज की। चलो अब देखो रेंज, ठीक है, तो रेंज के लिए क्या करोगे, सबसे पहली बात ये हमारा ये एफ एक्स है, तो ये राइट डाउन कर लो एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1, अंडर रूट
एक्स माइनस आपका क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अब चलो अब यहाँ पे ये देखोगे एक्चुअली, अब जो यहाँ पे वैल्यू होती है किसकी वैल्यू होती है, वाई की वैल्यू। जब भी आप रेंज निकालते हो तो दिस वन यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू और यहाँ पे एफ एक्स, दैट मीन्स यहाँ पे हम वाई की वैल्यू। तब हम ये देखेंगे कि वाई कब डिफाइन होगा। ठीक है, तो इसको राइट डाउन कर लो, वाई इज डिफाइंड, ये हो जाएगा आपका y is defined for all values x greater than or equal to 1। अभी इसको क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, यहां देखो, अब यहां पे क्या है, ये क्या केस है कि ये आपका डिफाइन कब होगा। अभी हमने इसका डोमेन निकाल लिया है, यहाँ पे हम डोमेन फाइंड आउट कर लिए थे। डोमेन क्या आया था आपका, आया था 1 to infinite, यही आया था ना। तो सिंपल सा इसका फंडा सीखो, फंडा ये है आपका और ये है। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, 4 एक्सेट्रा, ऐसे इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब ध्यान से देखना। ठीक, अब अपन को क्या बताना है, रेंज बताना है ना। तो पहले क्या पुट करो, 1। आपने जैसे यहाँ पे 1 पुट करा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ऐसे आएगा, आएगा ना। तो इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आ गई, 0। ठीक, तो हमको क्या बताना है, इसका एक्चुअली हमें रेंज बताना है। तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा, एक तो मिल गया 0, अब इसके बाद से आप 2 पुट करोगे। तो जैसे आप 2 पुट करोगे तो अंडर रूट 2 माइनस 1, ये आपका क्या मिलेगा, ये 1 मिलेगा। फिर 3 पुट करोगे तो 3 माइनस 1, ये आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2। 4 पुट करोगे ऐसे ऐसे, ये कहाँ तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक। हमने कोई बहुत टफ रूल अप्लाई नहीं किया, एक छोटा सा पिद्दी सा बेसिक कंसेप्ट हम लोग ने सीख रखा है, उसी को हम बार बार यूज कर रहे हैं। और क्या यूज कर रहे हैं कि इसमें क्या होगा, x की वैल्यू एंड दिस सर्किल में वैल्यू किसकी होती है, द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। ओके, तो आपका जब हमने x फाइंड आउट कर लिया यार कि x इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट लिखते चले जाओ, और हमको अब क्या बतानी है, इसी एफ एक्स की वैल्यू बतानी है। तो एफ एक्स में पुट कर दो, एक्स इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 0, एक्स इक्वल टू 2 पुट किया 1, एक्स इक्वल टू 3 पर अंडर रूट एक्स इक्वल टू 4 पे, ये लास्टली कहाँ तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक यार। और जैसे आपका ये इनफाइनाइट तक, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो कि सर क्लियर है। ठीक है, तभी तो हमको समझ में आएगा कि ये समझ में भी आ रहा है कि बस ऐसे ही चल रहा है ऑनलाइन क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है आपका, अब इसकी रेंज लिख लो। रेंज क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, रेंज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, ध्यान देना 1 पे क्या है, इक्वालिटी का साइन है। अभी हम लोग जब डोमेन निकाले थे यहाँ पे दिख रहा है ना इक्वालिटी का, तो दैट मीन्स यहाँ पे भी इक्वालिटी का, और 0 to infinity। तो दिस वन इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो इसका रेंज क्या हो गया, 0 to infinite। ओके, चलो बिफोर पास द वीडियो एंड नोटेड डाउन, बोर नहीं होने का, मैथ्स बोर होने की चीज़ नहीं है। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब अपन कहाँ आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे, और ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। अब इसमें कह रहे हैं कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन डिफाइंड बाई आपका क्या है, फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस। देखो मॉडुलस फंक्शन आते ही डरने का नहीं, क्लास 11th में बच्चे डरते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं मॉडुलस फंक्शन से उनकी दोस्ती हो जाती है। तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम थोड़ा सा आपको फिर से क्या करेंगे, मॉडुलस फंक्शन रिकॉल करा दे रहे हैं। ठीक है, और बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि हम तो एक्सरसाइज कर चुके हैं, एक बार हमने बता रखा है आपको मॉडुलस फंक्शन। तो सिंपल सिर्फ और सिर्फ हम मॉडुलस फंक्शन का यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ का कंसेप्ट देंगे। तो अगर आपका ये था y इक्वल टू मॉड एक्स, याद करो, रिकॉल करो, तो इसका ग्राफ क्या था, दिस वन इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा y इक्वल टू मॉड एक्स का। अब अगर हमसे ये कहे y इक्वल टू
मॉड एक्स माइनस वन का भैया ग्राफ प्लॉट कर दो। तो टेंशन मत लेना यार, बहुत इजी होता है। सबसे पहले इसका ग्राफ प्लॉट करने का मतलब ये लिख लो एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो दिस वन इज एक्स इक्वल टू वन। क्लियर हुआ, एक्स इक्वल टू क्या हो गया, वन। अगर आपसे बोले कि इसका आपको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, यहाँ पे देखो ये जीरो क्यों था, जीरो इसलिए था मॉड एक्स, यहाँ पे भी आपको क्या करना था, एक्स इक्वल टू जीरो। सेम रूल है, मॉड के अंदर चाहे जो भी वैल्यू हो उसको किसके इक्वल पुट करोगे, जीरो के इक्वल। तो एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ पे कहाँ पे टर्न, यहाँ पे आया, कहाँ पे टर्न कर रहा है मॉडुलस फंक्शन, जीरो पे। यहाँ पे एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो पुट करने का, तो एक्स इक्वल टू क्या आया, वन आया। तो अब यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन कहाँ पे टर्न करेगा, ये आपका वन हो जाएगा, तो ये यूं आया और फिर ये आपका हो गया मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ, है ना, हवा हवाई। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश और ओरिजिन, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश ओरिजिन, ये जरूर लिखने का, छोड़ने का नहीं, ठीक है। ये हो गया, ये आपका मॉडुलस फंक्शन मॉड एक्स माइनस वन का क्या हो गया, ग्राफ हो गया। ये तो क्लियर है ना। तो इसका अगर आपसे पूछा जाए कोऑर्डिनेट क्या है आपका, वन कामा जीरो, इसका कोऑर्डिनेट क्या था, जीरो कामा जीरो। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो कि सर द ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन इज क्लियर। अगर क्लियर नहीं है तो फिर बोलो, ठीक है, ओके। अगर हम अनदर एक एग्जांपल ले रहे हैं, अगर आपसे कोई कहे कि सर मॉड ऑफ वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वन का अगर हमें ग्राफ बनाना है तो क्या करना है, डरने का नहीं, यहाँ पे भी सिंपल वही फंडा, क्या फंडा लोगे कि एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या आया, माइनस वन। तो अगर आपने इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो ये आ जाएगा आपका माइनस वन, ठीक है। ये तो कोऑर्डिनेट एक्सिस देखने आता है ना, माइनस वन, तो इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक। तो ये हो गया ग्राफ आप किसका, वाई इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वन का। ये तो था हमारा पूरा मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। आपने इतना अगर फाउंडेशन क्लियर कर रखा है तो ये क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं, विद इन सेकेंड आप सॉल्व करोगे। चलो बिफोर पास द वीडियो एंड नोटेड डाउन, चलो आप देखो, ठीक। अब इसका रटना नहीं यार, रट के मैथ मत पढ़ना, और मेरे स्टूडेंट हो तो एकदम नहीं, ठीक है, विद कंसेप्ट पढ़ो, ठीक। अब देखो y इक्वल टू आपका है मॉड x माइनस वन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, x x डैश y y डैश, इसका ग्राफ अभी हम लोगों ने प्लॉट किया था, अब हम डायरेक्ट इसका ग्राफ प्लॉट कर देंगे, ये रहा, ठीक। और यहाँ पे x इक्वल टू क्या है, वन, और y इक्वल टू क्या आ गया, जीरो, ठीक। इतना पहले ग्राफ प्लॉट कर लो आराम से, सब लोग ग्राफ प्लॉट करो, ठीक। अब देखो इस फंक्शन का क्या करना है हमको, इस फंक्शन का क्या करना है, डोमेन बताना है और रेंज बताना है। तो सबसे पहले फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन। एक्चुअली दिस फंक्शन इज कौन सा फंक्शन है, रियल फंक्शन। ये फंक्शन क्या है, रियल फंक्शन। तो रियल फंक्शन की डिफिनीशन ही होती है, एकदम से क्लियर रखना कभी भी लाइफ में भूलने का नहीं, कि इसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर हो जाएगा। डोमेन क्या होगा, रियल नंबर, ठीक है। रियल फंक्शन मतलब क्या, इसमें जितने भी नंबर होंगे सारे के सारे रियल होंगे। और एक और फंक्शन होता है, रिकॉल करिए, हमने बताया था रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड में क्या होता है, जब वैल्यू क्या आए, सारी रियल नंबर आए, तो वो रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। तो ये रियल फंक्शन है भैया, तो इसका मतलब क्या होगा, डोमेन, डोमेन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा रियल नंबर। डोमेन इसका क्या हो जाएगा, रियल नंबर होगा। इट इज़ क्लियर, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर होगा। इसको राइट डाउन कर लो, ठीक। अब चलो जल्दी से राइट डाउन कर लो डोमेन, ठीक। अब इसकी बात हम किसकी करेंगे, रेंज की बात करोगे अब। आप बात किसकी करोगे, रेंज की बात करोगे। अब देखो रेंज मतलब क्या, रेंज मतलब क्या, किसकी वैल्यू,
आपके इस एफ एक्स की वैल्यू, तो ये देखो सिंपल, हम वही छोटा सा खिलौना बच्चा वाला कंसेप्ट हम अब लेके चलेंगे। दिस वन इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स एंड दिस वन इज़ द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन। ये तो क्लियर है आपका। अब यहाँ पे आप रियल नंबर लो, रियल नंबर जो भी मन आए आपके लेते चले जाओ, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, माइनस जो मन करे रियल नंबर ले लो, ठीक है। और वैल्यू किसकी बतानी है, अब आपको ये एफ एक्स की वैल्यू बतानी है। तो आपने जब एक्स की वैल्यू ली है क्या, 1, ठीक। तो ये वैल्यू किसकी है, ग्राफ से ही आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जब आपकी वैल्यू x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू क्या है, 0 है, सिंपल सा। चाहो तो आप यहाँ पे पुट कर लो, 1 - 1 = 0, क्लियर है, ओके। अब चलो, अब x इक्वल टू आप क्या ले लो, 2 ले लो। तो x इक्वल टू 2 लोगे तो मॉड 2 - 1, ये आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मॉडुलस 1 मतलब 1, ऐसे ही। अब आप इसमें वैल्यू लेते चले जाओ, ठीक, ऐसे वैल्यूज आती चली जाएगी और ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, अब देखो रियल नंबर आएगा। और कौन सा रियल नंबर आएगा, क्लियर करो। यहाँ पे टाइम लग रहा है ग्राफ में, यार कुछ नहीं लगना है, ये ग्राफ में सीधे दिख रहा है कि आप चाहे ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये कहीं भी ले लो, दिस वन, ठीक। आपका एक्स तो फिक्स हो गया, जैसे आपका क्या ले लिया, मिनिमम वैल्यू, रेंज निकालना है ना कि कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ठीक। अब एक्चुअली हम वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो एक तो वाई की मिनिमम वैल्यू आपकी क्या आ गई, 0, ध्यान देना। और बाकी वाई की वैल्यूज क्या आएंगी, सारी यहाँ पे देखो, एक्स की चाहे वैल्यू हम इधर जा रहे हैं, चाहे वैल्यू इधर जा रहे हैं, आपका वाई क्या जा रहा है, इधर ऊपर जा रहा है, वाई क्या जा रहा है, अपर डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब यहाँ भी पॉजिटिव है और यहाँ पे भी क्या है, पॉजिटिव है, मतलब वाई की सारी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव रियल नंबर। सिंपल, ध्यान से देखो, फिर से देखो, एक तो 0 आई, एक तो क्लियर है ना वाई की वैल्यू 0 है। अगर आप x यहाँ, अगर मान लो कि हमने इस पे पॉइंट ये लिखा, तो x की वैल्यू चाहे जो हो, y की भी वैल्यू ऐसे आएगी, x की वैल्यू, y की वैल्यू, अगर हम यहाँ आते हैं तो x की वैल्यू हम निगेटिव भी लेंगे तो y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, x की वैल्यू निगेटिव भी लेंगे तो y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। इसीलिए कहा जाता है कि मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू। एवरीथिंग इज क्लियर फ्रॉम दिस ग्राफ, इस ग्राफ के थ्रू आपका सब कुछ क्लियर भी हो रहा है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हुआ, ओके। चलो तो यहाँ पे भैया इसका राइट डाउन कर लो, अब इसका रेंज आपने क्या करना है, राइट डाउन कर लेना है। तो रेंज इक्वल टू, अब इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज इक्वल टू, रेंज लिख लो सीधा सा, जल्दी बताओ रेंज क्या होगा, रेंज आपका 0 to 0 to infinite, 0 to क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है, 0 to infinite। यहाँ इक्वालिटी का साइन इसलिए यहाँ पे फिक्स है, 1 = क्या रहा आपका, 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0 to infinity, ठीक है, ओके। दिस वन इज क्लियर ना, तो ये आपका इसका रेंज हो गया 0 to infinity। इन क्वेश्चंस को देख के जनरली स्टूडेंट डरते हैं, डरो मत यार, एक छोटा, जरूरी नहीं है आप RD उठा लोगे, RS उठाओगे तो बहुत सारे रूल्स आपको लिखवाता है, क्या करता है, रूल्स लिखवाएगा कि मॉडुलस फंक्शन को सॉल्व करने का ये रूल होता है, स्क्वायर रूट को सॉल्व करने का ये है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो ये रूल, फलाना डिम, बहुत सारे रूल लिखवाता है। लेकिन NCERT ऐसा नहीं करता है, NCERT ने आपको बेस बता दिया और बेस के थ्रू चलो, हम भी तो वही कर रहे हैं, बेस एक पकड़ लिया है, बेस के थ्रू सिंपल क्या है, डोमेन के लिए क्या, एक्स की वैल्यू, रेंज मतलब क्या आपकी वाई, दैट मीन्स एफ एक्स की वैल्यू, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 6 से, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और मन लगा के पढ़ते रहो।